यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल, टर्म से आप क्या समझते हैं? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ एक इंडिकेशन है मैक्स स्ट्रेस का, जो कि डेवलप होता है किसी मटेरियल में बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के। तो यहाँ पे एक टर्म आया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड व्हाट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो पहले हम इस डिफिनेशन को सही तरीके से समझते हैं। तो इसका मतलब जो हम अभी डिफिनेशन बोले कि ये एक इंडिकेशन है, रिलेशन क्या है, एक इंडिकेशन है मैक्स स्ट्रेस का, जो कि डेवलप होता है किसी मटेरियल में बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के। मतलब अगर मटेरियल पे हम लोड अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल कितना लोड, मतलब कितना मैक्स लोड, मतलब कितना ज़्यादा लोड बेयर कर सकता है बिना टूटे, मतलब कि उस मटेरियल के मैक्स स्ट्रेंथ को यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं और देखते भी हैं कि स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, किसी का 500 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, किसी का 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, माइल्ड स्टील का 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। मतलब कि अगर हम एक माइल्ड स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, मतलब कि अगर इस पर हम 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, मतलब जो इसका एरिया है एक एम एम स्क्वायर, उस पर 250 न्यूटन लोड देते हैं, तब उतना लोड तक तो वो बेयर कर सकता है, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा भी लोड अगर बढ़ा देंगे तो वहाँ से वो टूटना शुरू हो जाएगा। मतलब कि वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जितना वो मटेरियल लोड बेयर कर सकता है, उस पर अगर थोड़ा सा भी लोड बढ़ा देंगे तो वहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा, तो उस स्ट्रेंथ को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं उस मटेरियल का। के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।